Thank God for this amazing opportunity. In Nagpur, we have come with our whole team. In Nagpur, I have come for the first time. It's a lot of fun. Today we had an awesome concert here in Nagpur and fatte baja diye. Come on Nagpur! What's up guys, welcome back to a new vlog. And now we have come to 1814 church in Nagpur. And this is 1814 church in Nagpur. And here is Sheldon Bangera, his program is today. And he is a big worshipper. So today we will make a whole vlog. And you know that it's the Christmas time. And the whole world is made Christmas. He is a very big YouTuber and a big worship leader. So guys, now we will go there and start the vlog. They try to kill me when I fought back. I cracked the skulls with a baseball bat. But justice will never make. So guys, अपने साथ है अभी अभी अपने भूमि लोग, ये है अभिप्रीत, ये है रजत और ये है ज्वेल. तो अभी हम लोग जाएंगे इनसाइड और वर्षी प्रसन्न तमाशे खुदा की स्तुति आराधना करेंगे. तो गाइज चलते हैं, लेट्स गो ब्रो. लखनऊ के बाद मुंबई और मुंबई के बाद नागपुर मेरा तीसरा परिवार है. आई हैव सूरज सिरोया, इंडियाज फर्स्ट पंजाबी हरियाणवी एंड हिंदी गॉस्पेल हिप हॉप रैपर. क्या आप सब तैयार हैं? हम जागो म्यूजिक में तीन चीजों पर विश्वास करते हैं. नंबर वन है मिशंस, नंबर टू है मेंटरिंग और नंबर थ्री है म्यूजिक. हम आपको बताना चाहते हैं कि हम मिशन से विश्वास करते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ किया है तो हमें उस खुशखबरी को लेके लोगों तक जाना है. घर पे बैठे बैठे कभी रिवाइवल इंडिया में नहीं आएगा. प्यार ने अपनी जान लुटा दी, दुनिया गारी जिंदा है प्यार, सच्चे प्यार का यीशु का गांव. चक्के तू बे लक्के तू बे, यीशु का नाम जिम्मा के तू बे, मुश्किल सारी अपने असला साथ तू यीशु का पाके रे बे. मैं नो नहीं लगता सिवा यीशु के तानू, और वही माफ करूंगा उसके लहू में आजादी छुपी है, पापों से जीवन साफ करूंगा. नाम मसीह का जीवन में काफी, उसी से माफी उद्धार मिलेगा, शैल मिलेगा प्यार मिलेगा, पापों से माफी वरदान मिलेगा. प्यारा है यीशु बस प्यार मिलेगा, मसीह के जैसा अब कौन मिलेगा. दिल में बसा है यीशु का नाम, गाऊंगा मैं तो ऊंचे से का. राइट राइट राइट, गाऊंगा 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 ऊंचे से का. कम ऑन नागपुर, मेक सम नॉइज. नो कुछ गलना वाला से. 1 2 जंप 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 जंप. कुछ से मोहब्बत है तेरी, इबादत है मेरे यीशु. Come on, sing it out. Hey, come on. Let's hear your voice. जोर से आपकी आवाज नहीं आ रही. La 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 la, la 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 la. Hey, जय बोलो यीशु मसीहा की, जय बोलो. Hey, बोलो. जय बोलो, जय बोलो. Yeshu Masih Haki Jai Bolo, Jai Bolo, Jogi Masih Ke Bairage Masih Ke, Jogi Masih Ke Bairage Masih Ke, Bolo Hamko Dunia Se Kya Kaam Re, Ham To Jogi, Yeshu Masih Ke. जग में हमारा ना स्थान रे, योजना है सफल हो जाए. जय जय नाम यीशु नाम, मैं संतोष बोल. जय जय नाम यीशु नाम. Shut it out!
you're blessed with this entire India on Wheels team right here. हमारे बीच में ब्रदर प्रिंस है, आप लोगों ने प्रिंस का नाम सुना है पहले, ब्रदर प्रिंस रॉबिन्सन। शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत सेंटी एलिमेंट्स नहीं डालना चाहता उसमें। मिशनरी परिवार में जन्म लिया मैंने और मेरी मम्मी की 2006 में मृत्यु हो गई। मेरे पापा को उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आघात पहुंचा। मुझे पता चला कि असली जिंदगी घर से निकलने बाद कैसी होती है, और मैं सिर्फ 21 साल का था। एक दूसरे एरिया में जाकर रहने लगा और वहाँ पे मुझे मिले स्टेशन पे, रोड पे, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे पटरी पे ऐसे लोग मिले जो मेरी फैमिली बन गए। उनके संग मैंने सीखा नशा करना। जुलाई में मुझे एक स्कूल टीचर की जॉब मिल गई। वही एक कपड़ा था मेरे शरीर पे और वो रोज भीगता था, वही सूखता था, पूरे बदन में स्वेलिंग थी मेरे। और कुछ 22 दिन गुजर गए बिना कुछ खाए पिए। 24वें दिन पे क्या हुआ, जब मैं टॉयलेट गया सुबह स्कूल जाने से पहले, तो मैं घबरा गया क्योंकि ब्लैक स्टूल्स और पूरा खून था टॉयलेट में, और मैं बहुत डर गया। मैंने कहा कि अभी बस किसी तरह 6 दिन और बीत जाए, 6 दिन जैसे बीत जाएंगे वैसे ही मैं खूब खाना खाऊंगा, एक बड़े होटल में जाऊंगा, बहुत शांत तरीके से बैठ के मैं खाना खाऊंगा। और जैसे मैं स्कूल में पहुंचा, मैं ऑफिस में पहुंचा और मैं सैलरी लेने के लिए उनके ऑफिस में गया, उन्होंने साइन किया, उन्होंने बोला कि अभी तो परमानेंट नहीं हुई, सिर्फ वो कैश में देंगे पैसा। उन्होंने 10,000 की गड्डी मेरे हाथ में दे दी। मुझे लगा कि ये वो पैसा है जिसके लिए डॉक्टर मुझको चिल्लाते थे, ये वो पैसा है जिसकी वजह से लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। और पैसा इतना बढ़ने लगा, कुछ 70,000 तक मैं कमाने लगा। 6 साल के बाद मुझे बहुत दर्द उठा पेट में और मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें अपने माँ बाप को लेके आओ जल्दी से। मैंने कहा कि नहीं है, बड़े को लेके आओ, नहीं है। उसने बोला कि प्रिंस तुम्हें ICU में अभी अर्जेंट एडमिट होना पड़ेगा, तुम्हें 6 महीने से जॉइंटिस है, 6 महीने से निमोनिया है, 6 महीने से टाइफाइड है, क्या तुम्हें ब्लैक स्टूल्स होते हैं, खून तो नहीं आता है? मैंने कहा आता है। उन्होंने बोला कब से? मैंने कहा 6 साल से ये हूँ मैं। पूरे हाथ क्रश करते हुए लाल थे, आंखें लाल थी। उन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम आपको ले चलेंगे। मैंने कहा क्या, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं नशेड़ी हूँ, एक ऐसा बंदा हूँ जो परमेश्वर कर्ज करता है। मैं तुम्हारे संग नहीं प्ले कर सकता, उस स्टेज पे जाके प्ले नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं रोने लगा। आपको मैं एक चांस देता हूँ, और अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं या मेरे लिए आपके लिए योजना है तो आप मुझे चंगाई दीजिए। और उसने झुक कर मेरी सुन ली। आपको पता है डॉक्टर आज क्या बोलते हैं, मैं दोस्तों से पूछते हैं, वो प्रिंस कहाँ है, वो एडमिट होने वाला था यार 6-7 साल हो गए के लिए, वो तो मुंबई में आजाद हुआ गाता रहता है। हालेलुया। I want to thank God for this amazing opportunity. In Nagpur, mein hum aaye hamari puri team ke saath mein. Bahut hi adbhut samay raha. Nagpur is one of my favorite cities to come to. And I want to thank God for Romeo and for his channel. All you guys, who are subscribed to his channel, continue to, enjoy. I'm sure he's got certain glimpses of today evening's concert and he's going to put it out. Nagpur, we love you. Aaj ke samay mein Prabhu Romeo ki tarah anek aise jawanon ko utha raha hai with passion. Hey brother, I'm on your praise the Lord brother. Can I say something for yo concert? what up, so everybody, this is Romeo from Nagpur, and today we had an awesome concert here in Nagpur, or fatte baja diye pure Nagpur mein baje, or it was great. Like, we did some crazy music. I shared about my life story, how God changed me from a criminal, from a gangster, to a rapper who is rapping about peace, love and hope. If you guys enjoy the content, please subscribe to Romeo. He is our boy from Nagpur. Support him, give him some love. Bruh, thank you so much. Thank you so much, brother. This is the festival. God bless you.